फाइनली भाई पहुंच गए हम, और जो आज जो जहाँ पे हम आए हैं, तो नाम तो पहले बहुत सुना था कि थर्टल सटल कोई एक मोटो कैफ़े है, तो आज फाइनली वहाँ पे पहुंच गए हम। तो ये रहा वो लोकेशन। इसका थीम बहुत ही मतलब विंटेज टाइप का है, इनका जो कैफ़े का थीम है। इसका लुक्स तो वैसा ही है जैसा कि मैंने नेट पे देखा, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे नेट पे सर्च करके, और आके भी उससे भी अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे आ पाए। और आज मैं अकेले नहीं आया हूँ, आज मेरा होम मिनिस्टर भी मेरे साथ है। जगह कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें जैसे यहाँ पे है, जो भी आपको मतलब टूल्स मिलेंगी, ये सभी मतलब डोनेटेड है, हमारा खुद का खरीदा हुआ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और सब स्क्रैप मटेरियल से बना हुआ है। और काफ़ी यूनिक कैफ़े है, ऐसा कैफ़े आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो भी कैफ़े आपको मिलेगा वह एक रूम के अंदर, 5-star होटल, AC, तो यहाँ पे सब कुछ खुला एरिया है, आप रिलैक्स चिल कर सकते हो। ज़्यादा लोग यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए आते हैं, हल्का सा म्यूज़िक बज रहा है, अच्छा खाना, और कोई भी डिस्टर्ब करने का नहीं है, और शांति, तो इसलिए लोग ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ एक और चीज़ है यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे सुपर बाइक्स जैसे कावासाकी, निंजा, ट्रियम्फ, तो इन सभी चीज़ें लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है हमारे यहाँ, और ज़्यादा सबको सुपर बाइक्स किसको पसंद नहीं है, तो यही सबसे मेन फैक्ट है हमारा। थीम कौन सेलेक्ट किया? थीम सब कुछ आइडिया है हमारे सौरभ भैया का, तो उन्हीं के मेन क्रिएशन से, और सुमित भैया भी कम नहीं, उनका भी डोनेशन इसमें बहुत है, तो दोनों ने मिलकर ही आप कह सकते हो 50-50। और ये ज़्यादा घर नहीं जाते, 18 घंटे 20 घंटे हमारे कैफे में काम करते हैं, रहते हैं, तो उनका कंट्रीब्यूट बहुत है। तो सब 2 साल करीबन 2-2.5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, और हमारा सिर्फ यही कैफे नहीं है, हमारा गुड़गांव में है, और थाईलैंड में कराबी में भी कैफे है, तो सबसे पुराना कैफे वहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ। और अभी अपडेशन देखिए आने वाला है, नया अपडेट आने वाला तो ज़रूर होगा। हमारा टारगेट है इंडिया के हर स्टेट में एक कैफे होगा, और फिलहाल तो 3 है और 30 आएगा, और अगर भगवान करे तो एक टाइम पे 100 भी कैफ़े होगा हमारा, ऐसा ही कुछ टारगेट है। तो भाई हम भी चाहते हैं कि इनका कैफ़े हर जगह हो, जहाँ भी जाए इनका कैफ़े मिले हमको। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एकांत शांत है वहाँ। और एक चीज़ जो है, यहाँ का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, आपको एक बार तो विज़िट ज़रूर करना है यहाँ पे। ओके ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, अभी जाना तो था, और एक इवेंट था वहाँ पे जाना था, क्योंकि आज ट्रायम का नया बाइक लॉन्च होने वाला था, नया मॉडल, तो वहाँ पे जाना था, आज नहीं जा पाएंगे, अभी चलना पड़ेगा। ओके देन गाइस, टाटा। जाते जाते भाई और भी बहुत सारे बाइकर्स मुझे मिल गए, तो सभी यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए आज। भाई आपका नाम? सिक्स होएल। अच्छा ठीक है। नाम, व्हाट इज द नेम? योगी।
सुंदर भाई भाई आप साहिल आसन कर कनाई आप बोल दिन बोलो हेलो बोलो सुजन मंडल এই তোর 8:15 কুড়ির দিকে বেরবো তোর ইয়ে তো হসপিটালে গেছে কোনো আসেনি तो लास्ट टाइम जो संडे का प्रोग्राम था ना वहाँ पे भी थे इनमें से कुछ कुछ लोग तो कौन कौन गया था टैग के प्रोग्राम में ये दोनों गए थे शायद ये निंजा ये दोनों भाई गए थे ना वहाँ पे हाँ मैंने ठीक पकड़ा है भाई तो ठीक है गाइस ओके बाय बाय